हे गाइस, कैसे हैं? आज मैं आपको पांच ऐसे सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताऊंगी जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने ही चाहिए, जो कि बिल्कुल फ्री हैं, जिसे आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सॉफ्टवेयर नंबर 1, ईगल गेट। ये सॉफ्टवेयर जो कि एक इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर की तरह काम करती है, बट ये IDM की तरह पेड नहीं है। इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। इसे आप मुफ्त में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये है इसकी वेबसाइट, जहां जाकर इसे डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं और किसी भी फाइल, इमेज, वीडियो, सॉन्ग्स आदि को इंटरनेट से फास्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर नंबर 2, VLC। ये एक मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर है जो वीडियो और ऑडियो के हर फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट कर सकता है। मीडिया प्लेयर के अलावा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वीडियो क्लिप कटर, वीडियो व ऑडियो कन्वर्टर आदि का कार्य भी आप इस सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं, और ये सॉफ्टवेयर भी फ्रीवेयर है। ये है इसकी वेबसाइट, जहां जाकर आप इसे डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर नंबर 3, LibreOffice। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, जो MS Office की तरह काम करता है, पर MS Office को यूज करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। ये है इसकी वेबसाइट, जहां जाकर इसके लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर नंबर 4, स्काइप। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसका यूज हम वीडियो और ऑडियो कॉल एवं टेक्स्ट चैटिंग के लिए करते हैं। ये है इसकी वेबसाइट, जहां जाकर इसके लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर नंबर 5, व्हाट्सएप। इस सॉफ्टवेयर के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। ये ऐप आपको हर मोबाइल यूजर के फोन में देखने को मिल जाएगा, पर इसे PC पर यूज करने के लिए भी डिजाइन किया गया है, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप अपने PC पर काम कर रहे हो तो आप इसे ओपन करके सारे मैसेजेस पढ़ सकते हैं और उन मैसेजेस का रिप्लाई भी कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर केवल विंडोज 8 और उसके बाद के वर्जन के लिए डिजाइन किया गया है। यदि आपके पास विंडोज 10 OS है तो ये और भी अच्छी तरह काम करेगा। बस इंस्टॉल करने से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि आपका OS 32 बिट या 64 बिट है या नहीं। इनमें से जो भी वर्जन आपके सिस्टम का हो, उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये है उसकी वेबसाइट, जहां जाकर इसके लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। इन सारे सॉफ्टवेयर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहें तो लिंक पर क्लिक करके उस वेबसाइट पर जाकर उसे अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें। और शेयर करना ना भूलें।